हेलो गाइस, मैं हूं दीजिए मड़ी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे टोक्यो कॉमिक कॉन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दो कैरेक्टर के बारे में, एक तो वुल्वरीन और एक हल्क। अब इनसे रिलेटेड काफी कमाल का अपडेट आया है। आप सभी जानते हो कि लास्ट वीक में हुआ था टोक्यो कॉमिक कॉन, जिसमें कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दो एक्टर मौजूद थे, जो कि थे क्रिस हेम्सवर्थ जो कि थॉर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और दूसरा कैरेक्टर था हमारे मार्क रफेलो जो कि हल्क का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो ये दोनों ही एक्टर काफी कमाल के थे। अब अपडेट ये है कि मार्क रफेलो ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर एक एक्टर के साथ काम करा, कैरेक्टर के साथ काम करा। ऑफिशियली एक मूवी भी आई एवेंजर्स, और उसी के साथ थॉर रैग्नारोक। बट मार्क रफेलो ने अभी हाल ही में एक छोटा सा अपडेट दिया, एक स्टेटमेंट दिया टोक्यो कॉमिक कॉन में। वो दिया था कि इन फ्यूचर हल्क का बहुत ही बड़ा, कह सकते हो, ब्राइट फ्यूचर है। और उन्होंने केविन फाइगी से मीटिंग करी और उन्होंने बताया, एक हिंट दी कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि हल्क वर्सेस वुल्वरीन की एक मूवी आएगी, यानी कि एक ऐसी सोलो मूवी जिसमें कि ये दोनों लड़ते नजर आएंगे। और आप सभी जानते हो कि फॉक्स के कैरेक्टर तो फाइनली कंबाइंड हो चुके हैं, तो हाँ, इन फ्यूचर हल्क हमें शायद वुल्वरीन के साथ देखने को मिल सकता है। अब ये केविन फाइगी के ऊपर है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर है, डिज्नी के ऊपर है कि वो इस मूवी में इंटरेस्ट है या नहीं। पर मार्क रफेलो ने केविन फाइगी से ये बात करी थी कि उनको हल्क का फ्यूचर चाहिए, अब कैसे भी करके चाहिए। और उन्होंने एक स्टोरी भी बताई थी कि उन्हें वुल्वरीन के साथ एक अच्छी सी सोलो मूवी देखने को मिले। तो हाँ, इन फ्यूचर शायद हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो गाइस, ये था वो छोटा सा अपडेट जो कि मेरे को लगता था कि शायद पर्सनली इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको बताना चाहिए था। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंद इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।